बोकारो में दहेज दानवों ने एक विवाहिता को इस कदर पीटा कि उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। धनबाद के गोविंदपुर थाना इलाके के जंगलपुर निवासी अंजुमा आरा की शादी 18 महीने पहले धनबाद के शास्त्री नगर निवासी रियाजुद्दीन अंसारी के साथ हुई। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। 27 दिसंबर को उसकी पिटाई करने के बाद ससुराल वालों ने बोकारो के बीजीएच में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद उसे अस्पताल में छोड़कर सभी भाग गए। मृत्यु के बाद शव लेने के लिए भी ससुराल के लोग नहीं आ रहे। वहीं अस्पताल ने मायके वालों को शव देने से इनकार कर दिया तो परिजन सेक्टर 4 थाना पहुंचे और शव दिलाने की मांग करने लगे। मेरा बेटी का 1.25 साल शादी किया हुआ हो गया है और जब से शादी दिए हैं मेरा घर आने नहीं देने लगा और दहेज के खातिर वो जो है लड़की को टॉर्चर करने लगा। मैंने कहा प्रशासन से, सारा जगह छान मारे, हर जगह मेरे रिसीविंग है और जब गए पुलिस के लेके तो वहाँ पथराव करने लगा, घुसने नहीं देने लगा और इसके बाद ना लड़की से मिलने दिया और बोला कि अगर लड़की को ले जाना है तो 5 लाख रुपये की ऑल्टो कार दीजिए और नहीं तो आपका बेटी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये धमकी दिया और बोला चैलेंज के साथ कह रहे पुलिस मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपको जो करना है कर लीजिए, आपका बेटी को हम जान से हाथ धुला देंगे। मेरा बेटी का इंसाफ चाहिए। जब 2 महीना बाद हम लाने गए तो हमको बोला खोद जब गाड़ी देगा तभी जाने देगा, लड़की को नहीं तो नहीं जाने देंगे, आप सर फटक के मर जाएंगे रोड में मगर नहीं जाने देंगे, उसका मामा बोला हमको। जब फिर हमें गया पैर में मर रहा तो फिर उठिए मेहंदी लगाया है, पानी में खा गया, उसका मामा बोला कि अभी तो पैर लाल हुआ, अभी तो तुम्हारा बेटी का पैर लाल हुआ, अभी तो माथा लाल होगा, बाल लाल होगा, कुछ भी होगा, आप देखते जाइए यार, आप तुमको घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे आप, तुम्हारा कोई भी मर जाएगा हम जाने नहीं देंगे लड़की को, गाड़ी ना देंगे उसके मामा। मुझे अभी तो कुछ पता नहीं चला है कि वास्तविक कारण क्या है, चूँकि मैंने शव को भी नहीं देखा है, लेकिन फोटो जो मृतिका के पिताजी के द्वारा दिखाया गया है जिससे कुछ लग रहा है कि इसमें संदेहात्मक स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं लग रहा है और वहाँ के साक्षियों से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।